हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन घरेलू नुस्खा लाई हूँ जो दिन में एक बार इस्तेमाल करने से आपकी स्किन दिन पे दिन गोरी, खूबसूरत और बेदाग होती जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब भी आपके घर में दूध आए, थोड़ा सा आप इसको अलग कर लीजिए अपने स्किन वाइटनिंग के लिए। दोस्तों, क्वांटिटी आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहते हैं अपने स्किन पे, उसके हिसाब से। अगर केवल चेहरे और गर्दन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जितना मैंने लिया उतना काफ़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है हाफ लेमन यानी कि नींबू का रस। नींबू का रस डालते दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि आपका जो दूध है वो इस तरह से फट गया है, और यही दूध हमें चाहिए अपने स्किन वाइटनिंग के लिए, अपने स्किन को साफ करने के लिए, निखारने के लिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको लेना है खाली कटोरी, और इसका जो आधा भाग है हम इसमें डाल लेंगे। आधे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे तो इसको साइड में रख दीजिए। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। आपको कॉटन लेके अपने पूरे चेहरे को, गर्दन को इससे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार नीचे से ऊपर साफ करना है ताकि आपकी स्किन पूरी तरह से साफ हो जाए, निखर जाए, और आपकी स्किन पे जो भी गंदगी है, डेड स्किन सेल है, जो भी मैल है, वो पूरी तरह से बाहर आ जाए। इसे साफ करने के बाद अपने स्किन को आप वॉश कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो बचा हुआ रेमेडी था हमारा, उसको पूरा यहाँ पे ले लेंगे खाली कटोरी में, और इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच बेसन। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे लेना है 1 विटामिन ई कैप्सूल का पूरा जेल। पूरा जेल आपको इसमें डालना है। ये एंटी एजिंग होता है, जो 20s में ही हमारे स्किन पे झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं उसको ये रोकता है, और आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा, टाइट करेगा, जवान करेगा। तो सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों, एक थिक लेयर अपने चेहरे पे, गर्दन पे इसकी लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा दोस्तों। थैंक यू।